आज हमारी रेसिंग है। तो आज हमारी रेसिंग है, गौरवी रेसिंग में है ना गौरव? गौरवी है रेसिंग में? हाँ। करेगी रेस? हाँ। अभी क्या कर रही है तू? बोलू से खेल रही है। गौरव अभी अपने यूनिकॉर्न से खेल रही है, मतलब यूनिकॉर्न वाले बलून से। और ये मैंने गौरव के लिए कल बनाया था एक बड़ा सा बलून का। गौरव उड़ा के दिखाओ इसे, उड़ा के दिखाओ। रुक जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे। हाँ उड़ाओ, उड़ाओ। ओए ओए, बस 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 बस, ए उड़ गया। ये ले। अरे तो आज गोरा की रेसिंग। और गोरा आज हो मेडल, मेडल पहन के लाएगी तू? हाँ देखते हैं, मेडल मिलता भी है ये नहीं। अच्छा चलो तो बाय। जब आप आए थे वहाँ मैंने देखा सीन टूटी, सीन टूटी वो खाए बटन। सो गौरा जा रही है अब स्कूल। गौरी ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि गौरा जा रही है पापा के साथ और किस कर रही है यूनिकॉर्न को। मम्मी ये आपने गंदगी की है कल? मैंने नहीं की। चलो बाय, इधर देखो फेस। श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और कल रात बनाया गया गौरा का बर्थडे बड़ी धूमधाम से, गौरा की जिद पे। हमारा कोई मन नहीं था और बच्चे की जिद माननी पड़ती है क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो मना सकते हैं हम बर्थडे। बड़ा हो जाता है तो बच्चा अपना आप ही फिर मना करने लगता है बर्थडे के लिए। लेकिन अभी गौरा छोटी है तो उसको है कि केक कटे, बच्चे आए, गिफ्ट्स आए। तो कल गौरा के बर्थडे पे गिफ्ट्स भी बहुत सारे आए तो आज गौरा अपने गिफ्ट्स आप सबको दिखाएगी कि उसे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। फिलहाल मैं सब कुछ काम ख़त्म हो गया है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह ये भी ऑफिस चले गए हैं। मैंने लंच भी बना दिया है, मेथी आलू की सब्ज़ी सौंप दी है किचन में और रोटी के लिए आटा भी तैयार है। बच्चे आएंगे तो खाना बनेगा। टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, बस आधे घंटे बाद फिर गौरा आ जाएगी। और आज मौसम बादल जैसे हो रहे हैं, हो सकता है एक दो दिन में बारिश आ जाए। और आज मैं काम कर रही हूँ, अपनी अलमीरा लगाऊंगी। आज मेरी अलमीरा बहुत ही फैली पड़ी है, दिखाती हूँ आपको पूरा अलमीरा। कल बर्थडे के चक्कर में, कपड़े वपड़े ढूंढने के चक्कर में इधर उधर इधर उधर, देखो क्या हालत हो रही। ये लगानी है मुझे पूरी अलमारी आज। सो अभी मैं बस आपसे बात करने के बाद अलमीरा खोलूँगी और इसे लगाऊंगी। देखो इनको एडजस्ट करूँगी, इतनी बड़ी अलमीरा है लेकिन ऐसे ठूसे हुए हैं कपड़े, क्योंकि कल पता नहीं क्या ढूंढ रही थी गौरा का, कुछ ढूंढ रही थी मैं। और उसको ढूंढने में जल्दी चक्कर में ऐसे ही निकाला ठूंसा, और वो यहाँ मिला भी नहीं, वो मिला उसकी उधर दूसरी वाली अलमारी में। सो मैं करती हूँ अपने अलमीरा की सफाई। इतने आप लोग भी अपना काम कीजिए, कुछ सोचिए और काम कीजिए, बिजी रहिए मेरी तरह। मिलती हूँ फिर बाद में जब बच्चे आते हैं। तो फाइनली मेरी दो अलमीरा लग गई हैं, देखिए बिल्कुल खाली कर दिया मैंने, ये इतना भरा हुआ हो रहा था। और ऊपर भी लगा दिया है मैंने सामान, थोड़े से वुलन ऊपर रख दिए हैं और सारे कॉटन नीचे रख दिए हैं। प्रेस के कपड़े या दुपट्टे, यहाँ पे जो प्रेस्ड हैं, प्रेस्ड कितने कम कपड़े हैं मेरे, देखो थोड़े से ही कि सर्दियों में तो कुछ पहन ही रहे, वुलन ही पहन रहे हैं तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है कॉटन पे। तो अब गर्मी आएंगी तब जाके हम कॉटन पे प्रेस करेंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं, अभी नीचे की रह रही है क्योंकि गौरा का आने का टाइम हो गया है। गौरा के सामने मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि गौरा फिर फैला देती है सब। तो गौरा आने वाली है तो मैंने काम अपना बंद कर दिया है और अब गौरा का वेट करती हूँ, मिलती हूँ बाद में आपसे। हाँ जी, दिखा। वाह, ये कौन सा मेडल मिल गया आज गौरा को? सेकंड आई। सेकंड दिखाओ, तो मेडल तो दिखा मुझे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाओ। अरे वाह, आज तो गौरा सेकंड आ गई। किसमें? रेस में। अच्छा कैसे भागी थी गौरा? ऐसे झूठ बोल दिया मैम ने। अभी तो तू कह रही फर्स्ट आई थी मैं। फर्स्ट कौन आया था फिर? मैं फर्स्ट आई, पीछे आई थी फर्स्ट। अच्छा तो फिर आप क्यों कह रहे हो मैं फर्स्ट आई थी? अरे मैं फर्स्ट आई थी पर ऐसा मैम ने वो बोल दिया, मैं सेकंड आई हूं। ऐसे बोल दिया मैडम ने? बताओ चीटिंग हो गई है तो। हाँ।
है ना? हाँ। चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, ये भी तो अच्छा है। और क्या गौरा को, तू तो भागने का मन भी नहीं था फिर। इतना छोटू क्यों हो गया ये? कुछ नहीं है, टूट गया फूल, ये सारी इसकी पत्तियां झड़ गई। और क्या स्कूल में आज पढ़ाई हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। आ गए? और क्या रहा रिजल्ट, क्या हुआ मुंह उतरा? आज तो गोली का मुंह उतरा लग रहा है मानसी, लग नहीं रहा कुछ जीत गया आया ये। क्या हो गया? अबे यार, मतलब इतना भागने के बाद भी नाम डुबा दे तूने। गौरा ये क्या कर दिया भैया ने? सेकंड सरप्राइज। गौरा भी सेकंड आई है उसको? सेम बेंच। दोनों सेम सेकंड आए। फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट हमारी रेस में अथर्व शर्मा। कौन सा है उसका था? दिनकर। अच्छा, तो भास्कर सेकंड आया। बड़ा शोर हो रहा था, भास्कर भास्कर आवाज आ रही थी बहुत स्कूल से, भास्कर भास्कर ऐसे हो रहा है। आरे ऐसे क्यों? हाउस नहीं, हाउस वाइफ बोलते हैं ना, नाम नहीं बोलते। तो गाइस आज मेरा बर्थडे था, तो मैं देख रही थी किसका गिफ्ट है, तो मैं नाम देखती। गिफ्ट खोल रहे हो क्या आप? अनबॉक्सिंग कर रही हो गिफ्ट? अच्छा, नाम देखो किसका है पहला गिफ्ट। नहीं पता भैया, आप देखो ना। अक्षज एंड विवान। अक्षज और विवान भैया ने है, कृष्णा भैया ने ये गिफ्ट दिया आपको। जरा खोलो तो क्या दिया है, खोल लोगे आप? भैया हेल्प करा दे। मैं खोलूंगी तो ये चेक करा दो। ला टेप खोल लेता हूं भैया। क्या है दिखाओ जरा तो, क्या क्या दिया आंटी ने? खोल के दिया। हाँ खोल के देखो क्या क्या है इसमें। छोटा सा पर्स। ये तो बहुत सुंदर दिया है, कविता आंटी ने है ना? किसने दिया ये? कविता आंटी ने। हाँ दिखाओ, सीधा करके दिखाओ, सीधा करके। हाँ वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। वाओ, और क्या है? और क्लिप्स हैं बहुत सारी। ये नेकलेस है गौरा के लिए, रबर्स भी हैं। ये रिद्धि के पास है ऐसा। और क्लिप्स भी हैं। अरे वाह, रेनबो वाली क्लिप भी मिली आज तो गौरा को, यूनिकॉर्न वाली। थैंक यू बोलो। थैंक यू कविता आंटी, थैंक यू अक्षत भैया, कृष्णा भैया। क्या है गौरा? ये है उदयन भैया और उषा मैम। पहले से पता है। अच्छा चलो ओपन करो। वाओ, बारबी डॉल एंड पाउच। वाओ ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, पर्पल कलर का पाउच। वाओ ये तो बहुत ब्यूटीफुल डॉल है, इतनी सारी ड्रेसेस हैं इसकी तो गौरा। हाँ देखो, ये पर्स है, पर्स भी है और ड्रेसेस भी। वाओ ब्यूटीफुल। मम्मा इसका झुमका भी इतना बड़ा। चलो थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। थैंक यू उदयन भैया। नेक्स्ट गिफ्ट खोलो। दीवानी दीदी और पुट्टू आंटी। पुट्टू आंटी नहीं, देवी आंटी, कनक आंटी। क्या है सीधा करके? वाओ डॉल हाउस, ये तो घर के पास है भी, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। हाँ इसमें सोफा है। हाँ इसमें दिखाओ तो, मुझे तो दिखाओ। इसमें वन टू थ्री, इसमें सोफा वगैरह भी है, इसमें ये भी लगा हुआ है, वन टू। चलो नेक्स्ट। क्षितिज भैया। रिद्धि ने क्या दिया आपको? ज़ाइलोफोन। वाओ थैंक यू रिद्धि, बोलो। थैंक यू रिद्धि। बस खोलो माती से। चलो नेक्स्ट। ये दिया आपको रेनू आंटी ने, है ना? ये अभी तक मैंने पका नहीं खोलना है। नहीं मैं खोलूंगी। क्यों? पापा ने कुछ खजाना रखा है, मैंने देख लिया। खजाना? हाँ। अरे मुझे दे देना, मैं ले लूंगी। मुझे अभी तो बर्थडे में कुछ नहीं मिला। वॉच? अरे वाह गौरा के तो मजे आ गए, वॉच मिल गई। ये स्कूल से मिली है। हाँ हो सकता है, जो भी। ओके। वाओ ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप
तो गौरा के मजे आ गए, वॉच मिल गई। दिखाओ तो जरा कैसी है, पर्पल कलर की ब्यूटीफुल वॉच। दो दो हो गई मेरे पास। एक आंटी ने, अच्छा ये पेंसिल बॉक्स भी गिफ्ट में मिला है क्या? हाँ, अरे वाह ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, आंटी ने दिया है। अच्छा चलो ठीक है, ये क्या है? ये बहुत सारे चॉकलेट। अरे वाह चॉकलेट मिल गई गौरा को, मजे आ गए। गौरा खोला नहीं, खोला नहीं, डोंट ओपन। ये मेरी, चलो साइड में रख दो इसे, जब यूज करोगे। चलो नेक्स्ट, ये किसने दिया है इतना बड़ा गिफ्ट भाई? पापा ने। एक और डॉल हाउस, आए हाय गौरा इतने सारे डॉल हाउस का क्या करेगी भाई, बट ये भी कुछ स्पेशल है लग रहा है मुझे। ये बड़े वाला है, बट इसमें तो बहुत अच्छी चीजें हैं, सोफा है, वाओ ये तो बहुत बड़ा है, 78 पीसेस हैं, इसमें 3 रूम्स बनाने हैं आपको। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें गौरा बना के दिखाएगी एक डॉल हाउस अपनी डॉल के लिए। तो गौरा आपको सारे गिफ्ट्स कैसे लगे ये? चलो तो सबको थैंक यू बोलो, सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। दिखाओ तो फेस, तो दिखा खुश तो है नहीं तू, अब बोलो अच्छे से थैंक यू।